नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स, जिसको हम जेपी पावर के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 17.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.71% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप की बात करें तो 11,788 करोड़ की है, प्रमोटर होल्डिंग 24 है, बुक वैल्यू 15.6 है एंड डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी इसकी बना चुकी हूँ, पहले इसमें ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये 50 डीएमए से नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है एंड 50 डीएमए को इसने फिर से एक डेथ क्रॉस दिया है। पी रेशियो की बात करें तो पी मीडियम से नीचे है एंड नेगेटिव में है इस टाइम पीई। एंड अभी की बात करें तो सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डगमगाया हुआ है ऑफकोर्स, बट सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से जंप किया है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, ये एक हमने चैनल बनाया है एंड ये स्टॉक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद इसने दिया है 28 फरवरी को ये डाउन मूव एंड उसके बाद इसने कोशिश करी वापस ऊपर जाने की, बट समहाउ ये जा नहीं पाया एंड इसी के साथ चैनल की लाइन के साथ साथ ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया जा रहा था। तो अभी आपको पता है कि इन दिनों मार्केट में वॉलीटैलिटी भी रही एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी चलती रही, काफ़ी सारी वॉलीटैलिटी हमने देखी है निफ्टी को लेके, चाहे बाकी स्टॉक्स लेके, एंड बाकी सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से करेक्शन आई है एंड इसमें भी वो कहीं ना कहीं देखी गई है। तो ये स्टॉक अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ट्रेड करा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। यहाँ से भी इसने एक रिवर्सल लिया था, यहाँ से भी थोड़ा छोटा सा सपोर्ट बनता है, यहाँ से भी इसने एक रिवर्सल लिया था। इसको इनफैक्ट हम थोड़ा सा एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला भी एक सपोर्ट बनता है क्योंकि ये इसकी पहले भी रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे सपोर्ट बना था, यहाँ पे सपोर्ट बना था, तो यहाँ पे भी इसका रेजिस्टेंस लिया था। तो थोड़ा सा इसको भी लेके चलते हैं, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके आ रहा है एंड ये वाले सपोर्ट पे ये इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, ये मेरे को कोई इतना ज़्यादा, ये वाला जो सपोर्ट है ये मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, हो सकता है कि इस नीचे वाले इस पे ये ट्रेड करे, बट बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी है। देखिए, ये RSI यहाँ से इसने रिवर्सल लिया था और फिर ये नीचे आ गई एंड इसने काफ़ी डाउन मूव दिया यहाँ पे एंड अभी जो है RSI होपफुली यहाँ पे सपोर्ट लेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि RSI का कर्व जो है यहाँ पे बिल्कुल नीचे को नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा, मैं अब कैसे दिखाऊँ आपको, हाँ जी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे को नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे को कर्व सा होके गया है। तो होपफुली यहाँ से RSI अब रिवर्सल ले सकती है। तो देखिए, स्टॉप लॉस तो ज़रूर हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है ये, क्योंकि अगर गिरा तो ये यहाँ तक भी जा सकता है, 15.50 तक भी ये जा सकता है स्टॉक। तो अभी के लिए एक बार एंट्री से पहले हम चलते हैं एक बार BSE पे, तो BSE पे देखते हैं। ये लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है एंड ज़्यादा दिक्कत इसको इसीलिए आ रही है क्योंकि इसका 5% का बैंड है, क्योंकि 5% में देखिए नीचे गिरना तो बड़ा आसान होता है, ऊपर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नीचे गिरने के लिए तो लोअर सर्किट में ये हो जाओ, ऊपर उठने के लिए चलो अपर सर्किट में हो जाओ, पर काफ़ी सारी हर्डल्स आती हैं ऊपर उठते टाइम और बड़ी सारी रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ता है हमें। तो अभी के लिए कोई ऐसा सच न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके से मदद करे। तो अभी के लिए देखें हम, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एंट्री जो होगी वो थोड़ी सी रिस्की होगी, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं होती तो मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री ज़रूर बनाती यहाँ पे एंड मैं उम्मीद जो करती, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी हमें। तो मैं उम्मीद जो करती यहाँ से, मैं करती इस पॉइंट की उम्मीद और वो होता है 11% के आसपास। तो मैं ज़्यादा नहीं इस पॉइंट की इनफैक्ट उम्मीद करती, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ज़्यादा रीचेबल है नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आएगी। तो मैं 8-8.5-9% के आसपास की उम्मीद करती यहाँ से शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए एंड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री मतलब यहाँ से मैं 20 मार्च से पहले पहले मुझे लगता है कि यहाँ तक हम ये 11% के आसपास तक, हम 10% के आसपास तक हम हो सकता है कि गेन कर लें। स्टॉप लॉस ज़रूर मैं यहाँ पर लेके चलूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हर्डल्स आने वाली हैं, ये वाली रेजिस्टेंस आएगी, ये वाली रेजिस्टेंस आएगी, फिर हमें 18 के आसपास की रेजिस्टेंस आएगी हमें, और 18.05 के आसपास, 18 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाली है हमें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट बना है, तो यहाँ पे 18 पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाले 18 एंड 18.20 के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं स्टॉप लॉस भी अपना साथ में ही लेके चलूँगी एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म की एंट्री बनाई जा सकती है एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए वैसे तो हमने उम्मीद करी थी ज़्यादा की, बट ये अभी के लिए जो है SM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे जा चुका है एंड मुझे लगता है कि जब तक ये निकला नहीं, इसका प्राइस बैंड चेंज नहीं हुआ, तब तक मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इसका कंसोलिडेशन का जोन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नहीं,
नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले मैं यहाँ पे, पहले तो हमने टारगेट रखे थे अपने 34-35 के आसपास के, मतलब 40 के आसपास के टारगेट रखे थे, बट मैं इन टारगेट्स को लेके ना अब 30 के आसपास की उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि प्राइस ये काफ़ी नीचे गिर चुका है। मैं 30 के आसपास के प्राइस की उम्मीद करूँ तो मुझे मिलता है लगभग लगभग 80% के आसपास, और मुझे ये बहुत, अगर ये निकल गया तब तक, अगर ये निकल गया अपने इसमें SM4 से और इसका प्राइस बैंड चेंज हो गया, तब तो हम ये देख सकते हैं, एनी बेस्ट केस सिनेरियो है, ठीक है। ये वो नहीं है कि अच्छा ठीक है हो ही जाएगा चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता। ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि सब कुछ अगर फेवर में काम किया तो, अगर नहीं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये 20-25 के आसपास तक हमें ट्रेड करता हुआ मिले। तो ये भी हो सकता है कि हाँ क्वार्टर रिजल्ट से पहले पहले अगर ये SM से नहीं निकला एंड एवरीथिंग, तो हो सकता है 25 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही एंट्री मैं बनाऊंगी। तो ये एंड अगेन ये कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है कहीं से भी, सिर्फ मेरी एनालिसिस है जो मुझे लग रहा है, एंड आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।